उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हम सबसे व्यस्त इलाका जहां पर शर्मा टी स्टॉल है लखनऊ में, वहां खड़े हुए हैं। यहां पर हम जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है आखिर किस तरीके से है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या उनको आज भी विश्वास है कि यहां के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनके अनुसार अब कानून व्यवस्था किस लेवल पर आई है, क्या वो सोचते हैं कि हाँ अब वो सेफ महसूस करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग आनंद ले रहे हैं चाय का, चाय पीते पीते ही उनसे हम बात करेंगे। मैम एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। सपोज दैट आप यूपी में हैं, आपको लग रहा है कि जब से सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आए हैं, आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था यहाँ की कोई अच्छी हुई है या अभी और ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कानून व्यवस्था ज़रूर अच्छी हुई है, लेकिन अभी बहुत चेंजेस आने की ज़रूरत है। लड़कियाँ लेट नाइट ऑफिस से निकलती हैं, बाहर आना होता है उन्हें, और यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लड़कियों के लिए। लेट नाइट वो ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे अब्रॉड में तो कितना ही वो कितना लेट निकलेगी। आप मुंबई का ही ले लीजिए, मुंबई पुणे में लड़कियाँ लेट नाइट निकल सकती हैं, बहुत सेफ्टी है। पर यहाँ पे सीएम ने जो है एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, उसके बाद 1090 चल रहा है, वो कहते हैं कि वो सबसे अच्छा है, जहाँ पे लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्या? देखिए, अभी तक तो मतलब जितनी रेप केसेस और जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये अभी भी अराइज हो रही हैं, चल रही हैं, ऑनगोइंग है। तो अगर उसमें चेंजेस आएंगे तब हम समझेंगे कि हाँ चीज़ें बंद हुई है, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी अनसेफ हो गई है इंडिया। आपको लग रहा है क्या क्या होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? पुलिस के बहुत सारे वो होने चाहिए हेडक्वार्टर्स, और काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जिससे लड़कियाँ सेफ फील करें, विमेन को निकलने में प्रॉब्लम ना हो, और तुरंत आप एक कॉल करें और तुरंत वहाँ पे मतलब क्या कोई प्रॉब्लम ना आए। सर, आपको लगता है कि आप भी यूपी में हैं इस समय, आपको लगता है जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ की है, आपको लगता है कि ठीक है, नहीं अब सुरक्षित हैं हम लोग और सारी चीज़ें? जैसे मुझे लगता है कि व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था यूपी में, और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं यहाँ पर तब से खासकर और अच्छी हो चुकी है, और बेहतर हो चुकी है। एक और इम्प्रूवमेंट अगर करा जा सके बहुत अच्छा होगा, कि ऐप के ज़रिए अगर हम एक डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, और ऐप को भी खोलने के लिए आदमी को फ़ोन को खोलना ना पड़े, वॉइस कंट्रोल अगर कोई ऐसा कमांड हो जिससे अगर कोई अनसेफ हो तो वो सूचित कर सके। यूपी सरकार कहती है कि मैं 1090 चला रहे हैं और यहाँ पे हम एंटी रोमियो स्क्वाड चलाते हैं, साथ साथ पुलिस की बेहतरीन व्यवस्था करते हैं, और इम्प्लीमेंट की लगता है कहीं ना कहीं बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है, और धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैम, आप भी यूपी में हैं, लखनऊ में हैं इस समय, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो चाहे वो अलीगढ़ में कल कांड एक हुआ हो बच्ची के साथ में, अभी कुछ शराब कांड हुए हों, आपको लग रहा है व्यवस्था उस तरीके से है, कानून की मजबूत हुई है इस सरकार में? नहीं, इस सरकार में हुई तो है मजबूत, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है, काफ़ी मतलब पहले से आप तुलना करेंगे तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अंतर तो आया है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है, और मैं सोचती हूँ होगी, आगे होगी और अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, कुछ लोगों को भी आपस में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी कि किस तरह से आदमी को अपना व्यवहार बदलना चाहिए, किस तरह से खुली सोच रखनी चाहिए, एक दूसरे को आदमी को सिखाना पड़ेगा ये चीज़, उसके एक दूसरे के सहयोग से ही ये चीज़ हम बदलाव ला पाएंगे समाज में। सिर्फ ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के सर पे चढ़ जाएं कि डोंट डू, कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, हर पब्लिक के हर इंसान को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की गलती तब होगी अगर वो इस तरह के प्रयोजन ना कर पाए कि लोग ऐसा कर पाए, अगर वो गवर्नमेंट लोगों के काम में रोड़ा डाले कि लोग अगर एक दूसरे को सिखाना चाह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट, तो ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं हमारी गवर्नमेंट में कि वो किसी को रोकती है सिखाने से, या लगता है कि लोगों को भी सहयोग करना चाहिए प्लस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट बिल्कुल करना चाहिए, खुली सोच लानी चाहिए, थोड़ा समाज में बदलाव आते हैं कभी कभी तो थोड़ा समय लगता है उसको। देखिए, जितने भी चेंजेस आ जाए, मैंने देखा है मतलब चाहे हम कितनी यहाँ पे सुविधाएं डाल दें लेडीज के लिए, लेकिन अंदर से मन में एक है कि लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है इंडिया, अंदर से वो फीलिंग आती है कि आप रात को 7-8 बजे के बाद निकल नहीं सकते, तो वो चेंजेस अपने आप से लाने होंगे। जब आस पास हमें ये सब दिखेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, तभी लड़कियाँ सोचेंगी कि नहीं अब हुआ है, इंडिया में चेंजेस आए हैं। तो इंडिया में चेंजेस आए हैं, कुछ लोग से हमसे बात की है और लगातार वो कह रहे हैं कि हमें भी सोचना होगा इस बारे में आखिर किस तरीके से लोग हैं। सर, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है, आप मानते हैं कुछ अच्छी हुई है, या आपको लगता है कि अभी और ज़रूरत है उसमें इम्प्लीमेंट करने की? मैं तो ज़्यादा हर गवर्नमेंटों में था, इसमें वही है
कोई खास सुधार तो नहीं, भाई इतना क्राइम क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। लेकिन यह जोशी जी लगे हुए हैं जोगी साहब, लेकिन फिर भी जो है क्राइम तो हो ही रहा है। लग रहा है आपको चाहे वो अलीगढ़ की कांड की घटना हो, अभी टप्पल में जिस तरीके से हुआ, शराब कांड हुए, कुछ ऐसे कांड हुए जहाँ पुलिस बैकफुट पर आई, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है आपको? हाँ बिल्कुल है, हमेशा है, हमेशा 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 रहेगा, हमेशा जो भी गवर्नमेंट रहे कानून व्यवस्था नहीं करेगी तो पब्लिक का कानून कैसे लेगी, तो इसमें वही मेन मुद्दा वही है। सर आपको यूपी में जिस तरीके से अभी की कानून व्यवस्था है, आपको लग रहा है चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं या पहले की सरकारें जो भी थी, आपको लग रहा है कुछ बदलाव की जरूरत है या आपको लगता है कि नहीं? काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और योगी जी के राज में पुलिस वगैरह काफ़ी रोमिंग अराउंड सब करती रहती है और काफ़ी अच्छा रहता है। जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि अभी कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? अभी तो हमेशा जरूरत, अच्छे पे अच्छा करने की जरूरत हमेशा रहती है, दैट इज बट ऑब्वियस। थैंक यू सर। हमारे साथ अभी कुछ और भी यहाँ लोग हैं जो अपना चाय और समोसा खा रहे हैं, ये सबसे फेमस जगह है लखनऊ की शर्मा टी स्टॉल, और उनसे भी हम पूछेंगे। सर जिस तरीके से आपको लगता है कि लखनऊ में या चाहे कानून व्यवस्था या यूपी में हो, चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कानून व्यवस्था अपने ट्रैक पर है अभी कि और नहीं? बहुत पहले से बेटर हुआ है, लेकिन और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के तरीके से वो लगातार वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अधिकारियों के, लगातार वो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को अपॉइंट किया है पुराने को हटाकर, लगता है कुछ अब एक्टिविटी हो रही है आपको लगे कि अभी और जरूरत है? नहीं, अगर मैनेजमेंट कहीं से अगर उनका ट्रांसफ़र कर रही है या जो भी कर रही है तो कुछ फ्यूचर को देखते हुए किया होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट अभी कर रही है फिलहाल अच्छा ही कर रही है। सरकार के पास अभी समय बचा है लगभग 3 साल का मान लीजिए, आपको लग रहा है कि वो व्यवस्था अभी और मजबूत होगी? उम्मीद है, उम्मीद तो है, होप तो है। सर आप भी यहाँ पे चाय समोसा खा रहे हैं सर, तो आपसे भी पूछना चाहूँगा थोड़ा, आपको क्या लगता है किस तरीके की कानून व्यवस्था है? मेरे हिसाब से तो पहले की सरकार के अपेक्षा इन्होंने अच्छा काम किया है और इस गवर्नमेंट के से हम लोग खुश हैं। हाँ आपको लगता है कि कानून व्यवस्था जो यहाँ की अभी सही है, अभी कुछ उसमें बदलाव की जरूरत नहीं? नहीं अभी तो इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, कुछ ट्रांसफर्स भी किए हैं, अभी एडीजी कानून व्यवस्था को भी चेंज किया है इन्होंने, तो थोड़ा टाइम और देना चाहिए और जल्दी ही उम्मीद है कि सुधार हो जाएगा। हाँ सर जिस तरीके से आपको लगता है कानून व्यवस्था है यूपी की मान लीजिए आप, लखनऊ की नहीं, तो जिस तरीके से कार्य हो रहा है, कानून पे पुलिसिंग कर रही है, आपको लग रहा है कि कुछ व्यवस्था सही हुई है अभी और ज़रूरत है? पहले से तो सर बहुत ही अच्छा हो रहा है, और इनको माननीय मोदी जी को योगी जी को कम से कम 10-10 साल और रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल रामराज आ जाएगा। आपको लग रहा है व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ठीक, पहले से बेहतर है, दी बेस्ट। बाकी जो सरकारें थी इससे पहले वो कानून व्यवस्था को उस स्तर पे नहीं ले जा सकें जो अब ये ले जा रहे हैं? उस स्तर पे तो नहीं ले जा सकें, मायावती जी के समय में थोड़ा सही था, लेकिन इनके समय में धीरे धीरे काफ़ी कुछ मतलब अच्छा हो रहा है। मतलब आप मानते हैं कि मायावती के समय में जो कानून व्यवस्था थी? हाँ मतलब मतलब उससे दी बेस्ट हो रहा है इस समय। हाँ और कम से कम 10-10 वर्ष इन दोनों को और होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से रहना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कुछ और इम्प्रूवमेंट हो तो किस तरीके का आप चाहेंगे, क्या क्या? सिर्फ कानून व्यवस्था, अरे वो बहुत ही जानकार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब जानते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप भी युवा हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी में कानून की व्यवस्था है यहाँ पर, अभी उसमें बदलाव की ज़रूरत है या आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है अब हो गया? बदलाव की ज़रूरत बहुत है, जिस हिसाब से अभी बीते दिनों आपकी दुर्घटना हुई है इसके खिलाफ आपको बहुत ज़रूरी है मुख्यमंत्री जी को देखना कि कानून व्यवस्था बहुत सही होनी चाहिए जी, अभी और उनको सुधार लाना चाहिए। लगता है अभी तक के जो कार्यकाल उन्होंने किया उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर नहीं पाई है? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल हम उनको 100 में से 50% कहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था उनको हमें नहीं समझ में आ रही उनकी जी। जी जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग लोगों का मानना है, अलग अलग लोगों की सोच है कि कानून व्यवस्था कुछ लोग कहते हैं ठीक हो पाई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक हो पाई है, हम और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। सर आप यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं इस समय, लगभग 2.5 साल का समय हो गया है, 2.5 साल 3 साल और बचा है, आपको लगता है कानून व्यवस्था जो है स्पेशली
यूपी की अगर हम बात करें तो कितनी अच्छी है, या आपको लगता है कुछ और भी बदलाव की जरूरत है अभी? देखिए, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, वैसे मैं विजिटर हूँ, लेकिन रेगुलरली आता हूँ और जो न्यूज़ में दिखता है ओवरऑल लगता है कि कानून व्यवस्था जो है बनी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी कोई बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है, मेरे ख्याल से बेहतर हुई है। जैसे मतलब पहले एक साल में बहुत सारे इनकाउंटर्स वगैरह जो है क्रिमिनल्स के जो न्यूज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आया, जो भी मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स थे उनको जो है पुलिस ने जो है, हालांकि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीवर्शल भी था, लेकिन वो किया। तो ऐसा एक एहसास होता है कि क्योंकि यूपी एक बहुत न्यूटोरियस, नोएडा हमारा लगा हुआ है बगल में दिल्ली के, तो लगता है कि थोड़ा इम्प्रूव हुई है। आप तो दिल्ली से आए, दिल्ली की व्यवस्था और यूपी की कैसी है? दिल्ली की देखिए डुअल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है और स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग है, तो उनका जो है आपस में टकराव चलता रहता है, वो एक अलग क्या कहते हैं स्टोरी है। बट यहाँ पे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो मेरे ख्याल से अच्छा सपोर्ट मिलता है। और पहले की सरकारें थी उनसे आप कैसे अगर कंपेयर करेंगे तो कैसी व्यवस्था है? देखिए, अब मैं तो रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि SP गवर्नमेंट में ऐसा मतलब माहौल था कि थोड़ा गुंडा एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो अभी एटलीस्ट मीडिया में या बाहर के लोगों को ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा जो है उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। यानी सरकार में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उससे थोड़ा सा कंट्रोल? जी, ऐसा मतलब मीडिया में ऐसा इंप्रेशन तो सर सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप देखते हैं पूरे माहौल? नहीं, माहौल में काफ़ी इम्प्रूव है, पहले के अपेक्षा अब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और जैसा सर ने अभी रिप्रेजेंट किया कि इनकाउंटर के वजह से भी जो ग्राफ है क्राइम का ये कम हुआ है। जैसे अभी कुछ लोग का मानना है या अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो अलीगढ़ में कुछ कांड हुए, चाहे वो रेप का मामला हुआ, जिससे कानून व्यवस्था बहुत बैकफुट पे आई यूपी सरकार के, आपको लगता है कुछ अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर देने से मात्र ही क्या वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उसके लिए कुछ और भी अलग से? नहीं, ट्रांसफ़र कर देने से मात्र से कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, बट जिस पॉइंट पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने जिस अधिकारियों को इस्टेब्लिश किया है उस बिहार पर वो चीज़ें होनी चाहिए कि जो रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट के लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, या कहीं से भी मान लीजिए अगर इधर उधर की चीज़ें आ रही हैं तो उस ग्राफ पे जाके जो सही चीज़ है उसको क्लियर करके उसको ही शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो जी 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 देखिए, मेरा ये मानना है कि आजकल हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चों के भी रेप केस आ रहे हैं अलीगढ़ और हर जगह से, तो ये प्रॉब्लम है आदमी के दिमागी, क्योंकि हम सोचें कि हम मेजर्स ले आएंगे, कुछ हम चेंजेस ले आएंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे लोगों के ये उसमें जागरूकता है कि ये चीज़ कम होगी, तो ये नहीं है, ये दिमागी प्रॉब्लम है। जो आप छोटे बच्चों का भी रेप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मतलब अपनी फैमिली में ये हमारी अपब्रिंगिंग की बात है कि हमें कैसे पाला गया, हमें बचपन से ही हमें लड़कियों की इज्जत करनी सिखानी चाहिए, ताकि समाज को सुधरना चाहिए पहले फिर कानून। जरूरी, समाज सुधरेगा तभी कानून भी, क्योंकि कानून समाज से ही बनता है हमारा। कानून व्यवस्था के लिए समाज का सुधरना भी कुछ लोगों ने हमें बताया जिस तरीके से, सर आपको क्या लगता है किस तरीके से? सर, मैं तो सीएम के सिटी से ही हूँ और गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। कानून व्यवस्था में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, लेकिन जब BSP की गवर्नमेंट थी या सफाई गवर्नमेंट थी तो कानून व्यवस्था तो बहुत ही डाउन था, लेकिन किसी के नेचर को हम नहीं बदल सकते। हम कहीं नॉर्मल खड़े हैं, कोई या आके हमें पीछे से गोली मार दे, तो ये किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता, ये तो नेचर की बात है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ तो 100% इनका सही है। हाल ही में कुछ घटनाएं हुई, चाहे अलीगढ़ में टप्पल में कांड हुआ, लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बाद शराब कांड बाराबंकी की साइड में हुआ, है ना, ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिससे माना जा रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है, आपको लग रहा है कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे तुरंत एक्टिव होने की, तुरंत एक्शन के लेने की? अब सर देखिए, अब इस जो शराब कांड हुआ, शराब कांड को हम कंपेरिजन कर सकते हैं गोरखपुर में जो बच्चे एक्सपायर हुए थे ऑक्सीजन कांड में जो है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 दिन पहले समीक्षा की थी कि भाई कोई कमी हो तो बताओ, और उनके जस्ट जाने के बाद बच्चे एक्सपायर हुए ऑक्सीजन कांड में जो है, तो ये लोकल पुलिस की वजह से जो दिक्कतें आती है ये इस वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है जिस तरीके से कि सामाजिक रूप से और साथ ही कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक भी माना है, ये अपने आप में अलग बात है कि लोगों को अगर हम देख रहे हैं कि वो पुनरावृत्ति जो पुरानी सरकारें थी उनसे भी तुलना कर रहे हैं इस सरकार की, और बताते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको, हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे।
सर जिस तरीके से आपको लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था है, आपको लगता है क्या उसमें अभी और बदलाव की ज़रूरत है या हाँ ठीक अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं? कानून व्यवस्था की जो भी बात है वो सारी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं होना चाहिए, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें जनता बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, हम लोग सारी जिम्मेदारी होती है सरकार पे डाल देते हैं, सरकार पे या धर्मगुरुओं पे। आपको लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है यूपी के लिए वो फिलहाल अभी ठीक है, उसमें और कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव अवश्य बदलाव की जरूरत है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन, हम जनता के समर्थन की बात कर रहे हैं, जनता समर्थन कर रही है। जैसे आजकल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया जा रहा है, हेलमेट के लिए जोर दिया जा रहा है, तो सरकार का दायित्व है कि जनता का भी समर्थन जरूरी है, उसमें जनता भाग रही है। सर आप क्या मानते हैं, आपको किस तरीके से देखते हैं जो कानून व्यवस्था अभी की है, क्या कांड कुछ कम हुए हैं, क्या पुलिसिंग सही हो रही है, क्या 1090 है जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है, सारी चीज़ें क्या लाइन पे है, ट्रैक पे? नहीं, एक्चुअली में मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है पुलिस को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा और क्राइम कम करना पड़ेगा, बाकी पब्लिक को भी जो थोड़ा सा जो है अवेयरनेस आना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हम लोग खुद ही अपना जो है दावा देते हैं क्राइम के लिए, तो हम लोग को पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक पुलिस खाली अकेले दम पे क्राइम नहीं रोक सकती। मेरे को लग रहा है कि पुलिस और पब्लिक को साथ साथ आना चाहिए, बैठना चाहिए, तभी क्राइम कम होना होगा। करें कि पुरानी जो सरकारें थीं, क्या अगर कंपेयर करें तो उनसे कानून व्यवस्था आप कितना मानते हैं कि सुदृढ़ हुई है या अच्छी हुई है, या जो पुरानी सरकारें? निश्चित रूप से पुरानी सरकारों से बेहतर सरकार है ये, और कानून व्यवस्था जो दुरुस्त हुई है, दुरुस्त है। तो हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो पुरानी सरकारें थी उनसे कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है। हमारे साथ कुछ फीमेल भी, उनसे थोड़ा बात करेंगे। मैम, यूपी में जिस तरीके से माहौल है, आपको लगता है फीमेल यानी कि वुमेन यानी कि महिला सिक्योर है वो इस समय? क्या वो आपको लगता है जैसे मेट्रो सिटीज़ में जैसे वर्क होता है महिलाओं के लिए, वो यूपी में जो सिक्योरिटी या सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्या महिला पूरी तरीके से सुरक्षित अब मानी जा रही है इस सरकार में? बिल्कुल, मेरा मानना है कि महिला बहुत सुरक्षित है यूपी सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में। संगठन यहाँ पर जिस तरह काम कर रहा है, मेरे हिसाब से और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता भी पूरी तरह ये मानती है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, और बहुत सारे एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ पर्सनली कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें किए जा रही हैं। मैम, आपको लगता है कि जैसे अभी कुछ यूपी में कुछ घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो अलीगढ़ में घटना हुई हो या किसी भी और घटनाओं को लेते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पे आई है, आपको लगता है महिलाओं के लिए जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड चलता है या 1090 चलता है, या कुछ और अभी बदलाव की जरूरत है, या कुछ और ऊपर आने की जरूरत है? मेरे हिसाब से रेपिस्ट को जो जिस तरह के छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मेरे हिसाब से उन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेने की जरूरत है। 1090 एक बहुत सफल योजना रही है सरकार की, इस तरह हाँ मेरे हिसाब से और योजनाएं होनी चाहिए, खासकर रेपिस्ट के लिए, जो छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का जो हो रहा है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, और आप जानते हैं, आप समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, उसके लिए एक्शन होना चाहिए। थैंक यू। तो जिस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पर हमने लोगों से बात किया और जानने की कोशिश की आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके की, हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि कानून व्यवस्था में अभी सुधार की ज़रूरत है, काफ़ी लोगों का मानना है कि पुरानी सरकारों से इस सरकार में काफ़ी अच्छा कानून व्यवस्था की जा रही है, योगी सरकार अपने कार्यकाल में उस कानून को उस स्तर पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो पिछली सरकारें नहीं ला पाई थी, हालांकि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अभी कानून को व्यवस्थित करने के लिए सरकार में और इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, और कुछ नियम्स लगाने होंगे, कुछ ऐसी ऐप्स लानी होंगी, कुछ ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे सरकार पूरी समुचित कानून की यूपी में पूरे व्यवस्था कर पाए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।